तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी जो मैच कवर कर रहा है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर ए का जो ये पांचवा मैच कवर कर रहे हैं वीएन वर्सेस सीके के बीच में, दोस्तों ये मैच आपको देखने को मिलेंगे। और ये मुकाबला स्मॉलिक और ग्रैंडलिक दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। स्टार्टिंग हमने जो 3 मैचेस कवर किए थे इस सीरीज का, वन ऑफ द बेस्ट विनिंग हुआ जहाँ पे हमने स्मॉलिक में सिर्फ एज अ प्रॉफिट निकाला और काफ़ी लोगों ने मिनी जीएल भी विन किए। तो इस वीडियो में भी आपको हम एक प्लेयर्स के बारे में फुल स्टार्ट प्लस इन्फो देंगे और मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एज अ दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पर लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो स्मॉली के साथ साथ ग्रैंडलिक्स भी विन करा कर देंगे। दोस्तों साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो इस मैच में आपको बैटिंग से स्कोर करके देंगे और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग विद बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। तो कहीं ना कहीं आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना जरूर, ताकि इस मैच की हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानो जो आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस मैच को विन करना। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना जरूर। दोस्तों सबसे पहले अगर आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलेंगे ज़रूर। वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलते हैं मैच प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और भाई सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिकेट फैन का टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो शायद बहुत कुछ मिस करो। इस मैच की फ़ान और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, जहाँ पे 7.5K सब्सक्राइबर्स हमारे ऑलरेडी जुड़कर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हो। जिसको अभी से फैंटेसी के फील्ड में प्रॉफिट में रहना हो तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जिस टीम से मेरी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो टीम आपको टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। तो जुड़ना होगा तो फिर हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना, ताकि हमारे रियल चैनल पे जुड़ो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी है जहाँ पर लोग इस बैटिंग बेच रहे हैं। तो रियल चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, जुड़िएगा ज़रूर। हालाँकि दोस्तों चलते हैं अपनी प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में, अपने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ की। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इनकी मैच इन्फो के बारे में। ये जो मैच रहेगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर का, ये पांचवा मैच जो वीएन वर्सेस सीके के बीच में देखने को मिलेंगे। और ये जो वेन्यू है ना, देखो वनवातो क्रिकेट ग्राउंड यानी कि शेमोई ग्राउंड है, जहाँ पे रिसेंट के यानी कि 3 मैचेस इसी या फिर 4 मैचेस इसी ग्राउंड पर ही खेलेगा। और एवरेज स्कोर 120-140 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े तो एक ही रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करो। जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। तो जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जुड़िएगा जरूर। पिच की बात करूँ तो पिच एक तरह से आपको थोड़ी बहुत स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी हेल्प कर रही है। हालांकि एक तरह से हमें रिसेंट के मैच के मुताबिक इसे बैलेंसड ही आपको देखने को मिलेंगे, बैट्समैन और बॉलर दोनों का रोल ठीक ठाक रहेगा। वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 7 बार विन के, बॉल फर्स्ट करने वाली टीम भी 7 बार विन करके आ रही। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हमारे वीएन टीम के प्लेयर स्टैटिस प्ले इन्फो और इनकी बैटिंग ऑर्डर विद रिसेंट फॉर्म है। ये सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले बात देखो, इनकी टीम ने सीरीज के अंदर अपने 4 मैचेस खेले, जहाँ पे 2 मुकाबले 1 2 मैचेस इन्होंने लॉस, सॉरी इन्होंने 2 ही मैच खेले, जो कि दोनों ही मैचेस लगातार ये विन करके आ रही है। तो इनकी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग नलिनी पिको नजर आएंगे, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलर है। इन्होंने T20 के 14 मैच में 312 रन, 26 के 4 बिग 10 के नाम है, वैसे सॉरी 24 बिग 10 के नाम है। रिसेंट की सीरीज के अंदर 2 मैचेस कवर कर चुके हैं, जहाँ पे देखो इन्होंने 2 मैच में ऐसा इन्होंने बॉलिंग रहा जहाँ पे इन्होंने 2 ओवर के बॉलिंग से ज़्यादा इन्होंने बॉलिंग डाला भी नहीं है। एक तरह से बैटिंग से कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जो कि अपनी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग कर तो आपको देखने को मिलेगा। और स्मॉलिक एक सेफ ऑप्शन है, जो आप सभी को एज अ प्लेयर के साथ साथ मिनी जल ग्रैंडलिक्स में इनको कैप्टन भी कर सकते हो। जो भी फॉर्म एज अ बैटिंग से ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग बैटिंग करा रही है और रिसेंट के फॉर्म भी काफ़ी अच्छा, T20 करियर स्टार्ट से भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है। तो आप सब एज अ प्लेयर के साथ साथ मिनी जल ग्रैंडलिक्स में कैप्टन अवैश कप्तान भी कर सकते हो। जूनियर की बात करो तो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है 5 मैच के अंदर 52 और 18 का, जो रिसेंट के 2 पारी में 14 और 35 का स्कोर देखने को मिलेगा। अगर इनकी टीम पहले से बैटिंग कर दे तो ही आपको पिक करके जाना है, वरना आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। पैट्रिक का थोड़ी बहुत फॉर्म ठीक ठाक है, देखो तो राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलर है। 20 मैच में 530 रन, 26 के 18 बिग 10 के नाम है। रिसेंट के 2 पारियों में पहले मैच में 3 बिग 2, उसके बाद 24 का स्कोर प्लस 1 बिग 2, या 4 ओवर आपको बॉलिंग करा तो दिखेंगे। और इस मैच के एक सेफ ऑप्शन है, जो कि मिनी जल ग्रैंडलिक्स में इनको कैप्टन वगैरह भी कर सकते हो। जरा अलन की बात करो तो विकेट कीपनिंग कराते राइट हैंडर बैट्समैन, लिस्ट ए के 5 मैच के अंदर
97 रन 32 का, या 30 रन रिसेंट के मैच में स्कोर के थोड़ी बहुत जो बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे देखने को मिलेंगे। जो प्लेयर्स के पास फॉर्म है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड्रयू भी रिसेंट के मैच में 57 का स्कोर पर उसके बाद के मैच में उन्होंने बैटिंग करने का चांसेस मिला नहीं था। हालांकि अगर इन दोनों में से चाहो तो किसी एक को ट्राई करना अगर इनकी टीम पहले से बैटिंग करती है तो। उसके बाद जोशुआ टीम के मेन बॉलर है, पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद 2 विकेट की 4 बॉल कन्फर्म ये बॉलिंग डालेंगे। राइट एंड मीडियम बॉलर है, स्मॉल की सेफ ऑप्शन जो कि एज अ प्लेयर के साथ साथ मिनी जो ग्राइंडिंग्स में कैप्टन भी कर सकते हो। उसके बाद रोनाल्डो का भी कुछ खास बेहतर रिकॉर्ड वगैरह है नहीं, एक तरह से ग्राइंडिंग्स वगैरह के डिफॉल्ट है। रेवल की बात करें तो रिसेंट के 2 मैच में इन्होंने पहले मैच से 2 विकेट या 3 से 2 बार बॉलिंग का, और स्मॉली एक सेफ ऑप्शन है जो एज अपडेट के साथ साथ मिनी जो ग्राइंडिंग्स में को कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी स्टेपन टीम के एज अ मेन बॉलर जो स्टार्टिंग के 2 ओवर 2 बार देख के कराती है, और इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो कि एज अ प्लेयर के साथ साथ ग्रैंड लीग्स वगैरह में भी कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। उसके बाद नलिशा, उसके बाद अगर आपको देखो तो कहीं ना कहीं अगर आप सब चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके चलेगा। फिलहाल टॉस फैक्टर में जो भी हमारी फाइनल टीम रहेंगे इसके अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और नलिशा और या फिर इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करके चलना। फिलहाल दोस्तों देखो अगर इनकी बेंच से कोई प्लेयर खेलता है तो मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, या फिर अगर आप चाहो तो वीडियोस को पोस्ट करके आप हर एक प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स में जान सकते हो। सबसे बड़ी बात हमारे टेलीग्राम चैनल से जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े तो शायद बहुत कुछ मिस करो। इस मैच की फाइनल और एक विनिंग टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे, और जुड़ने के लिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो सीके की टीम है, इस टीम के प्रोबेबल लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर प्लेयर स्टेटस के बारे में, इनकी टीम ने 2 मैचेस इस सीरीज के अंदर खेला जो कि लगातार ये लॉस करके आ रही, तो इनकी टीम की ओर से मारा नजर आएंगे। जो टीम के कैप्टनसी इन्होंने भी की रिसेंट के 2 पारी में, पहले मैच 28 का स्कोर प्लस 0 विकेट, उसके बाद 31 का स्कोर प्लस 2 विकेट या 3 से 4 ओवर बॉलिंग करा तो आपको देखने को मिलेंगे। और इस बॉलिंग एक सेफ ऑप्शन भी है जो कि एज अ मिनी जल ग्रैंडिक्स वगैरह के साथ साथ इनको कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी करके जाना। डिक्सन की बात करो तो ये पार्ट टाइम एज अ बॉलर है, किसी मैच में बॉलिंग कराते किसी मैच में नहीं भी करते, पर अगर हम इनका रिसेंट के 3-2 मैचेस की फॉर्म देखें तो इन्होंने पहले मैच 28 का स्कोर प्लस 0 विकेट, उसके बाद 31 का स्कोर प्लस 2 विकेट है। देखो ये 3 से 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग कराते हैं, और कहीं ना कहीं स्मॉली एक सेफ ऑप्शन भी रहेगा। और यहाँ पर जो एडन डिक्सन नजर आएंगे जो कि रिसेंट के 2 पारी में 14 और 51 का स्कोर भी शामिल है। ऑलरेडी कल के वीडियो में भी मेंशन किया था इनका स्टार्ट अधिक तरह से इनका काफ़ी बेहतरीन, और कहीं ना कहीं कैप्टन वगैरह भी आप सब करके जाना। उसके बाद प्रीमा एज अ ग्रैंड लीग के डिफॉल्ट ग्रैंड लीग्स वगैरह के ज़्यादातर ये सेफ रहेंगी, और थॉमस भी एज अ मिनी जल ग्रैंड लीग में ही पिक करेंगे, स्मॉलिंग मुझे लग तक रखना चाहिए। कैरी डिक्सन टीम की एज अ मेन बॉलर है, पहले मैच में 1 विकेट है, उसके बाद 21 का स्कोर किया। देखो एक टीम के एक सेफ ऑप्शन है जो कि बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से एक एवरेज फॉर्म रहेगा, रिस्क ले बहुत तो इनको पिक करके जाना। उसके बाद लियाम डेनी की बात करें तो रिसेंट के 2 पारी में इन्होंने पहले मैच 0 विकेट 1 ओवर के बॉलिंग, उसके बाद 1 विकेट निकाले, 4 ओवर के बॉलिंग इनका देखने को मिले थे। एक तरह से रिकॉर्ड ठीक ठाक है, ग्राइंडिंग्स वगैरह के ज़्यादातर ये सेफ रहेंगे। विलियम भी एज अ मिनी जल ग्राइंडिंग में ही पिक करके जाएंगे। आपके पास जो शिपशॉन है रिसेंट के पारियों में इन्होंने 2 का स्कोर, उसके बाद इन्होंने न तो बैटिंग न तो बॉलिंग इनका शामिल है ग्रैंड लीग वगैरह के डिफॉल्ट। उसके बाद टीम की जो मेन बॉलर से आपके पास थॉमसी, या फिर अगर आप चाहो तो रितवा के साथ जा सकते हो, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही आपको पिक करना है। और यहाँ पर जो ग्लैन मिलर है मीन जो ग्रैंड लीग इंपोर्टेंट है, तो फिलहाल अगर आप सब चाहो तो इन्हें जीएल वगैरह में पिक करके चल सकते हो। फिलहाल अब देखो हमारे टॉस के बाद अगर तुम टीम कॉम्बिनेशन में कुछ भी अपडेट्स होते हैं तो उसकी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी चलते हैं अपनी और ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं। दोस्तों अभी देखो मेरे जो टीम है लगभग मैं सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट करें, मैंने काफ़ी सारे सर्च के बाद ऑलरेडी टीम क्रिएट करके रखे थे, और मैंने सेफ टीम के साथ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें। और आपको विकेट कीपिंग से चेंजेस करना तो आपके पास मिलर भी दूसरे ऑप्शन हैं, पर इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफ़ी नीचे है, तो इस वजह से मैं अभी इनको कर नहीं रहे कैप्टन और वाइस कैप्टन ग्रैंडिक्स में करना। उसके बाद देखो हमारे जो स्मॉली कैप्टन ये लेट नाइट मैच है, थोड़ी हम सेफ जाएंगे। टॉस के बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देते हैं, जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ। जिसको भी हमारी विनिंग और फाइनल टीम चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जुड़ने के लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है।